हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि आपका इंस्टाग्राम पर प्रमोशन जो है बार बार रिजेक्ट क्यों हो जाता है, उसके पीछे रीजंस क्या है। अब जो लोग बिल्कुल भी नहीं जानते कि इंस्टाग्राम पर प्रमोशन होता क्या है, तो मैंने इस पर ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा। इंस्टाग्राम पर प्रमोशन करने का मतलब ये है कि आप अपने किसी इंस्टाग्राम के पोस्ट को बूस्ट कर रहे हैं कुछ अमाउंट पे करके। आपको कुछ अमाउंट पे करना होता है इंस्टाग्राम को, उसके बाद में इंस्टाग्राम आपकी पोस्ट को बाकी लोगों को जो है शो करता है, और जिससे आपके पोस्ट पे जो रिटेंशन है, जो कि इंगेजमेंट है, वो बढ़ती है। लाइक्स आते हैं, लोग कमेंट करते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को करना है प्रमोशन, तो मैंने लिंक नीचे दे दी है वीडियो की, आप लोग देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि यार उन लोगों की जो कि प्रमोशन कर रहे हैं बट बार बार इंस्टाग्राम आपके प्रमोशन को रिजेक्ट कर रहा है, यानी कि अप्रूव नहीं कर रहा है, और आपका पैसा भी उसके अंदर लगा हुआ है, तो आपको थोड़ी सी टेंशन होगी। वेल, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका अमाउंट जो है वो बिल्कुल सेफ है, आप उसको आगे कभी भी यूज़ कर सकते हैं फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पर। अब बात करते हैं कि आपका प्रमोशन जो है वो रिजेक्ट क्यों हो रहा है बार बार। पहला रीज़न, ध्यान से सुनना, पहला रीज़न ये है कि अगर आप किसी और ब्रांड का, जिसके आप ओनर नहीं हो, उसके प्रोडक्ट का आप अगर फ़ोटो के अंदर है, विजुअली वो अपीयर है आपके फ़ोटो में, और आप उसे प्रमोट कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपका कोई पेज है कि आप प्रोडक्ट्स सेल करते हैं इंस्टाग्राम पर। काफ़ी सारे पेजेस हैं इंस्टाग्राम पर जो कि ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करते हैं, फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी, एडिडास, पूमा, कोई भी ब्रांड की। और वो अगर आप लोग उनमें से ही आप लोग हैं, और आप अपने किसी प्रोडक्ट को इंस्टाग्राम पर प्रमोट करते हैं, तो आपका जो प्रमोशन है वो रिजेक्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि आप किसी थर्ड, मतलब किसी दूसरी ब्रांड का प्रमोशन इंस्टाग्राम पर कर रहे हैं, जो कि इंस्टाग्राम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये उनके टर्म्स एंड कंडीशंस, उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट है। ओके, पहला रीज़न ये हुआ। दूसरे रीज़न की बात करते हैं। मान लीजिए कि अगर आप कोई भी वीडियो प्रमोट कर रहे हैं आपके इंस्टाग्राम पेज पर, और उस वीडियो के अंदर आप किसी मूवी का सीन है, या फिर अगर कोई म्यूज़िक है कॉपीराइटेड, तो आप लोग जो है वो नहीं कर सकते, यानी कि उसको प्रमोट नहीं कर सकते। काफ़ी ज़्यादा केसेस के अंदर आपका जो प्रमोशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप एक कॉपीराइटेड मटेरियल जो है वो प्रमोट कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर, ठीक है। सेकंड रीज़न भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं थर्ड रीज़न की। अगर आप कोई भी सेक्सुअलिटी या फिर न्यूडिटी, पोर्न वीडियोस वगैरह, कुछ भी ये ऐसी चीज़ें जो है आप अगर प्रमोट कर रहे हैं, तो भी इंस्टाग्राम एक्सेप्ट नहीं करेगा, और आपको जो है वो आपके प्रमोशन को रिजेक्ट कर देगा, और हो सकता है कि आपके फेसबुक एड अकाउंट को हमेशा के लिए ब्लॉक कर दे, यानी कि आपने जो भी अमाउंट ऐड किया था आपके फेसबुक वॉलेट में, वो हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं चौथे रीज़न की। अब चौथा रीज़न यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। आपने फ़ोटो, आपका खुद का अगर पर्सनल फ़ोटो है, आप वो प्रमोट कर रहे हैं, अब उसमें भी वो रिजेक्ट हो जा रहा है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि अगर आपने आपके फ़ोटो, आपके पोस्ट के नीचे कैप्शन के अंदर कोई भी हैशटैग ऐसा लगाया हुआ है, हैशटैग लगाना बुरी बात नहीं है, बट कुछ हैशटैग ऐसे होते हैं जो कि आप लोग, जो कि इंस्टाग्राम जो है उन्हें स्पैम कैटेगरी के अंदर डालता है, जैसे कि हैशटैग लाइक फॉर लाइक, हैशटैग फॉलो फॉर फॉलो, हैशटैग फॉलो, हैशटैग लाइक, है ना। अगर ऐसे हैशटैग्स अगर आप यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम के किसी पोस्ट के अंदर, और उसे आप अगर प्रमोट करते हैं, तो वो प्रमोट नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो बेहतर सॉल्यूशन यही है इसका कि आप लोग किसी भी पोस्ट को प्रमोट करने से पहले उसमें से, उसके कैप्शन में से सारे हैशटैग्स जो है वो रिमूव कर दें, और रिमूव करने के बाद में उसे अगेन जो है आप अपना जो प्रमोशन है वो उस पोस्ट को प्रमोट करें, ठीक है। तो आई थिंक ये भी पॉइंट जो है आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि यार इससे दिक्कत क्या हो सकती है। आप अगर इंस्टाग्राम आपके पोस्ट, आपके प्रमोशन को रिजेक्ट कर रहा है, तो आप बार बार अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब उसमें होगा ये कि आप एक टाइम पर बार बार जब अप्लाई करोगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका जो फेसबुक एड अकाउंट है वो ही ब्लॉक कर दिया जाएगा इंस्टाग्राम की तरफ से। उसके बाद में आपने जो भी 50, 100, 150, 500 रुपये आपने ऐड किए होंगे आपके फेसबुक वॉलेट में, तो वो जो है ब्लॉक हो जाएंगे। ऐसा एक
केस मेरे पास आया हुआ था, एक बंदा है जिसने मुझे कांटेक्ट किया था, उसका एक पेज था, वो एडिडास वगैरह के ऐसे शूज़ वगैरह जो है फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी सेल करता था इंस्टाग्राम पर। तो उसने करीबन 8,000 रुपये ऐड किए थे अपने फेसबुक वॉलेट के अंदर, और उसने वो प्रोडक्ट्स जो एडिडास वगैरह के जो फर्स्ट कॉपी वगैरह है प्रोडक्ट्स, वो प्रमोट करने की कोशिश की, तो उसका रिजेक्ट हो जा रहा था। उसने बार बार ट्राई किया और एक टाइम ऐसा आया कि उसका जो फेसबुक एड अकाउंट है वही ब्लॉक हो गया, उसके पैसे ब्लॉक हो गए। आप इमेजिन करिए, 8,000 रुपए छोटी रकम नहीं है। इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप जब भी प्रमोशन करें तो पहले आप इनिशियल छोटे अमाउंट से शुरुआत करें। मिनिमम अमाउंट कितना है? 40 रुपए। तो आप 50 रुपए फेसबुक वॉलेट के अंदर ऐड कर सकते हैं, 40 रुपए से प्रमोशन शुरू करें, सीखे पहले, उसके बाद में ही बड़ा अमाउंट लगाएं, वरना ऐसी दिक्कत आपके साथ भी हो सकती है। तो आई होप कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके या फिर मेरे इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पर मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर आपका जो भी आपका डाउट है वो मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सो गाइस, बस आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही था। मेरा बस ये मोटिव था कि मैं आपको ये सारी बातें क्लियर करूं, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारी क्यूरीज आ रही थी पिछले कुछ दिनों से, तो बस मुझे लगा कि यार एक वीडियो ही बना देता हूं ताकि आपको हेल्प हो जाए और बाकी लोगों को भी हेल्प हो जाए। तो बस गाइस, मिलता हूं आपको अगले और ऐसे ही किसी वीडियो के अंदर। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड स्टे